सदके कोई धन है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीर व्लॉग। तो दोस्तों, सुपर वीर व्लॉग आज आपको दिखाने वाला है जो जम्मू कश्मीर राजौरी में जो आतंकी मुठभेड़ हुआ था, उसमें हमारे गैरसैंण क्षेत्र के रोचित सिंह रावत की वहां पे हादसे में शहीद हो गए हैं। तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे आज लाया गया है, और वहां पे जो गैरसैंण में जब उनका पार्थिव शरीर आया तो उस समय वहां पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों को वहां पे पहले से जुड़े हुए थे। और दोस्तों, राजौरी में बलिदान हुए वीरों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुके हैं, और इन्हीं में से हमारे गैरसैंण क्षेत्र के रोचित सिंह रावत भी इसमें शहीद हो चुके हैं। और आतंकी हमले में शहीद हुए रोचित रावत की पति ने जब घर वालों को सूचना दी कि अब रोचित कभी नहीं लौटेंगे, तो देश के लिए बलिदान हो गए, तो घर में कोहराम मच गया। और दादा दादी को बताया तक भी नहीं कि सुचिन अब लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तो चंबोली ज़िले के गैरसैंण ब्लॉक के कुनिगाड़ मल्ली गांव निवासी रुचिन रावत 2009 में सेना में भर्ती हुए थे, और रुचिन के शहीद होने की सूचना मिलते ही कुनिगाड़ सहित पूरे गैरसैंण क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। ये बड़ी दुख की बात है कि इस टाइम पर